बसमिल माई डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों को वेलकम है द एक्सीलेंस अकैडमी प्लेटफॉर्म पर डियर स्टूडेंट्स आज हमें सिस्टमेटिक्स इस का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है टेक्सानिक क्लेक्शन का पार्ट टू पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमिक कलेक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सोनिक कलेक्शन और आज हमने बात करनी है मैथड्स तो ऑफ टेक्सोनिक कलेक्शन या इक्वमेंट्स यूज फॉर टेक्सोनिक क्लेक्शन डिफरेंट इन्वामेंट डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट्स यूज होते हैं सबसे पहले हमने बात करनी है कलेक्शन इक्विपमेंट्स फॉर एक्विटिक कलेक्शन इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे लेकिन उससे पहले आप मुझे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें थैंक यू सो मच जब हम बात करते हैं एकविटिक इन्वायरमेंट की तो इसमें ऑर्गेनिजम्स को या स्पेसम्स को कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के नेट्स यूज़ होते हैं ये नेट्स जो होते हैं या तो ये सरफेस वाटर से ही ऑर्गेनिजम्स को या स्पेसम को कलेक्ट कर लेते हैं या फिर ये वाटर के अंदर जाके स्पेसम्स को कलेक्ट कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स के नेट्स यूज़ होते हैं जिसमें डिप नेट सीन और ड्रेज नेट वग़ैरह को हमने डिस्कस करना है डिप नेट की जब हम बात करते हैं तो ये स्मॉल सीन के तौर पे यूज़ होते हैं और कलेक्ट करते हैं एकविटिक क्रिएचर्स को बहुत स्मॉल क्रिएचर्स जो होती हैं वाटर के अंदर उनको कलेक्ट करने के लिए ये डिप नेट यूज किए जाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डिप नेट दिखाई देते हैं सीन जो होती है ये वाटर के अंदर जाके स्मॉल इंसेक्ट जो कि डिसलोग हो जाते हैं किसी भी सबस्ट्रेट से क्योंकि हमें पता है सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर कई इंसेक्ट्स वगैरह भी पानी के अंदर चले जाते हैं तो जब ये डिस्टॉक हो जाते हैं सबस्ट्रेट से तो उन्हें कलेक्ट करने के लिए सीन का यूज़ किया जाता है यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं नेक्स्ट हमने बात करनी है ड्रेज नेट की तो ड्रेज नेट जो होते हैं ये सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं स्ट्रीम से पौट से लेक और मेरीन इन्वायरमेंट वगैरह से ये ड्रेज ड्रेज नेट जो होते हैं ये कंसिस्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग नेट अटैच टू हैवी फ्रेम एक नेट होता है उसे हैवी फ्रेम के साथ अटैच किया होता है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ऑर्गेनिजम्स को वाटर में से कलेक्ट करने के लिए नेक्स्ट हमने बात करनी है कलेक्टिंग कलेक्शन और कलेक्टिंग इक्विपमेंट्स फॉर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट करने के लिए टोडियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल जो स्पेसम्स होते हैं बेसिकली वो हैंड से ही पिक किए जा सकते हैं लेकिन कुछ जो डेंजरस स्पीशीज होती हैं लाइक स्नैक और स्कॉर्पियो वगैरह उन्हें बहुत ज़्यादा केयर के साथ कलेक्ट कर लिया जाता है और डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट करने के लिए इसमें ट्वीज़र्स और फोरसेप्स वगैरह यूज़ होते हैं या हम दटिंग टूल्स यूज़ करते हैं पॉकेट नाइफ यूज़ हो सकता है स्मॉल कैमल्स हेयर ब्रश वग़ैरह भी यूज़ होते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए इंसेक्ट्स वगैरह को कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के अदर इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं जिसमें एरियल नेट स्वीप नेट बीट शीट वगैरह यूज़ होती हैं जिन्हें हम वन बाई वन यहाँ पर डिस्कस करते हैं लाइट ट्रैप्स भी हो सकते हैं और फिर ये फनल्स वगैरह भी यूज़ होती हैं सबसे पहले हमने यहाँ पे बात करनी है एरियल नेट्स की एरियल नेट्स जो होते हैं ये फ्लाइंग इंसेक्ट्स वगैरह को कलेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं और एरियल नेट्स जो हैं इसमें एक म्यूसलिन क्लोथ जो एक फ्रेम के साथ लगा होता है और ये दोनों फिर अटैच होते हैं एक वायर के साथ वायर की मदद से इसे हम पकड़ते हैं और फिर इसे फ्लाइंग इंसेक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमने बात करनी है स्वीप नेट की स्वीप नेट जो होते हैं ये भी फ्लाइंग इंसेक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इसमें एक शॉर्ट हैंडल होता है और नेट बैग होता है और नेट बैग के अंदर वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उसके अंदर कलेक्ट कर लिए जाते हैं और हैंडल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इसको होल्ड करने के लिए ये वेजिटेशन वगैरह से स्मॉल इंसेक्ट्स को और ब्रांचेस वगैरह से स्मॉल इंसेक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं और ये जो स्वीप नेट होते हैं इन्हें डिफरेंट टाइम्स में यानी कि मैनी टाइम्स इन्हें हवा के अंदर या वेजिटेशन के अंदर इन्हें लेके जाया जाता है ताकि जो इंसेक्ट्स हैं उन्हें कलेक्ट किया जा सके यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वीप नेट किस तरह से दिखाई देते हैं नेक्स्ट हमने बात करनी है बीट शीट्स की बीट शीट जो होती हैं ये बेसिकली स्क्र पीस ऑफ कैनवास या अदर क्लॉथ होती हैं ये शीट्स के तौर पे ही इसी तरह इसे यूज़ किया जाता है जिन्हें इंसेक्ट्स वगैरह को पकड़ने के लिए जो कि श्रब्स में होते हैं या ट्रीज में होते हैं और या फिर हैंगिंग वेजिटेशन में होते हैं ये बेड शीट जो होती है इन्हें किसी भी ट्री के नीचे या फिर श्रब्स वगैरह में इन्हें बिछा दिया जाता है और फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फॉल करते हैं ट्री से इस नेट के अंदर इस शीट के अंदर और फिर इन्हें पकड़ लिया जाता है और किलिंग बोटल्स वगैरह में इन्हें प्रिजर्व कर लिया जाता है ये बेड शीट्स जो होती हैं ये कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं नेक्स्ट लाइट ट्रैप्स यूज होते हैं इंसेक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए इसमें एक लाइट सोर्स होता है जिसे एक कंटेनर के ऊपर हैंग कर दिया जाता है और फिर जो कंटेनर है इसके अंदर आके इंसेक्ट्स फॉल करते हैं और जब ये एक दफ़ा इस कंटेनर में फनल के थ्रू आ जाते हैं और फिर ये दोबारा इंसेक्ट्स जो हैं ये बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि इसमें कोई जो प्रिजर्वेटरी है वो यूज़ किया जाता है लाइक इथानोल वगैरह तो इस वजह से ये इंसेक्ट्स जब एक दफ़ा यहाँ पे आ जाते हैं तो दोबारा ये बाहर नहीं निकल पाते तो इस तरह लाइट ट्रैप्स के जरिए भी इंसेक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है नेक्स्ट ये बर्न बर्लस फनल्स यूज होती हैं ये जो फनल्स होती हैं इसमें भी एक लाइट सोर्स होता है एक जार होता है ग्लास जार होता है और एक फनल होती है तो इसकी लाइट सोर्स की मदद आ, मदद से ये जो इंसेक्ट्स हैं ये इस के अंदर आते हैं या इसमें सैंपल रखा जाता है कोई भी जैसे कि सोयल सैंपल रखा जाता है जिसके अंदर इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं तो इसके ऊपर ये एक बर्लस फनल में सैंपल को रखने के लिए एक जाली बनी होती है उसके ऊपर ये सैंपल्स रखे जाते हैं और फिर लाइट जो है उसे ऑन किया जाता है इस लाइट की मदद से ये जो इंसेक्ट्स वग़ैरह हैं ये नीचे मूव करते हैं जब मूव करते हैं तो उसमें ग्लास जार जो होता है उसमें इथानोल होता है सेवेंटी परसेंट तो इस वजह से जब ये जार के अंदर चले जाते हैं इंसेक्ट्स वगैरह तो इनको कलेक्ट कर लिया जाता है ये दोबारा बाहर निकलने के काबिल नहीं होते इस तरह से ये जो बर्लेस फनल्स हैं ये यूज़ होती हैं इंसेक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए नेक्स्ट हमने बात करनी है रिकॉर्डिंग डाटा की ये जितना भी हमने डाटा लिया होता है फिर इसे रिकॉर्ड करना होता है सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा करते वक्त हमने जियोग्राफिक लोकेलिटी बतानी होती है कि किस जगह से ये जो सैंपल्स हैं कलेक्ट किए गए हैं नेक्स्ट हमने स्ट्रेटोग्राफिक पोजिशन बताती बतानी होती है फॉर फोसल्स ओनली अगर फोसल्स वगैरह यूज़ हुए हैं तो हमने बताना होता है कि ये कौन सी लेयर से ये जो सैंपल्स हैं लिए गए हैं अर्थ की कौन सी लेयर से तो इसी तरह अगर जो हमने सैंपल्स लिए हैं कलेक्ट किए हैं अगर वो पैरासिटिक हैं तो उनका होस्ट बताना होता है कि कौन सा होस्ट है डेट बतानी होती है कि किस डेट को ये जो सैंपल्स हैं लिए गए हैं टाइम ऑफ कलेक्शन बताना होता है और फिर स्टेज बतानी होती है जो हमने सैंपल लिया है वो किस स्टेज में है एडल्ट में है इमेचोर में है मेल है या फीमेल है और इसी तरह से अल्टीट्यूड और डेप्थ वगैरह बतानी होती है कि जिस एरिया से हमने ये सैंपल्स कलेक्ट किए हैं वहाँ पे अर्थ का क्या अल्टीट्यूड है या फिर क्या डेप्थ है तो इसी तरह से वेदर कंडीशंस बतानी होती हैं कि जहाँ से ये सैंपल्स लिए गए हैं वहाँ का टम्परेचर क्या था ह्यूमिडिटी क्या था रेनफॉल था सनशाइन वगैरह विंड इसी तरह ये तमाम फैक्टर्स भी बताने होते हैं और फिर कलर ऑफ कलर ऑफ स्पेसम भी बताना होता है के कलर ऑफ़ स्पेसमन किया था और इसी तरह से नेम ऑफ़ कलेक्टर के कौन सा हमने इक्विपमेंट्स यूज़ किया है इन ये जो सैंपल्स हमने लिए कलेक्ट किए हैं इनको कलेक्ट करने के लिए तो ये था हमारा आज का लेक्चर होप्स आपको समझ आया होगा काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़ थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़